अभी क्या नेक्स्ट क्या चेक करना? नेक्स्ट गाड़ी में इंजन ऑयल चेंज हो चुका, इंजन ऑयल गाड़ी का ड्रेन हो चुका है। अब गाड़ी का गियर ऑयल, गियर के बक्से के अंदर जो ऑयल रहता है जिसको गियर ऑयल बोलते हैं, वो ड्रेन होगा और नया ऑयल इसमें फिल किया जाएगा। तो गियर ऑयल भी गाड़ी का नीचे रिमूव कर रहे हैं गाड़ी से। ये गियर बक्से के पीछे का ड्रेन बोल्ट है, इसको अपन खोलेंगे। 16 नंबर का पैनल लगा के ये खुला। अब इसके अंदर से जैसे इसको खोलेंगे, गियर ऑयल जो पूरा गियर बक्से के अंदर भरा हुआ है वो गियर ऑयल गिरना स्टार्ट हो जाएगा। गियर ऑयल गाड़ी का गियर बक्से से रिमूव कर रहे हैं और सेम वो इसी कंटेनर में पूरा ये डिस्कार्ड ऑयल टोटल रहता है गाड़ी का, जो इसी कंटेनर में भरता चला जाएगा। ये गाड़ी के गियर बक्से के पीछे का ड्रेन बोल्ट है, जैसे ऑयल चैम्बर का ड्रेन बोल्ट है वैसे गियर बक्से का ड्रेन बोल्ट है। इसको खोलेंगे, खोलने के बाद गियर ऑयल पूरा नीचे गिराएंगे। इसमें अभी एक वॉशर मिलेगी जो हर सर्विस में, जैसे ही गाड़ी का हर सर्विस मीन्स जब गियर ऑयल चेंज होगा उसमें नई वॉशर फेल होगी, उसके बाद ही जाके टाइट होगा। और ये गियर ऑयल हर सर्विस में चेंज करना रहता है या इस पे भी कोई? जी नहीं, गियर ऑयल चेंज करने का फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे अभी हमारे सामने इंडिको TDI लगी हुई है, TDI मीन्स होता है टर्बो डीजल विथ इंटरकूलर। इस गाड़ी का हर 20,000 पे गियर ऑयल चेंज हो जाएगा। इसको फिर से बंद कर दिया और जी इसको वापस क्लोज किए और टॉर्क लगा के जितना का टॉर्क होना चाहिए प्रॉपर टॉर्क सेट करके टॉर्क रेंज से इसको टाइट किया जाएगा। जैसे ही पूरा हो जाएगा वो कट से साउंड, एक अलग ही बीप साउंड, वो कट साउंड आ जाएगा, तो इतना टॉर्क से टाइट हो गया है। ये गाड़ी का गियर ऑयल है, जो अब गाड़ी के गियर बक्से से जो ऑयल हमने रिमूव किए थे, अब नया ऑयल ये गियर ऑयल गाड़ी में फिल कर रहे हैं। कितना इसमें फिल करना है गियर ऑयल? गियर ऑयल की कैपेसिटी है 1.8 लीटर। नीचे हमने देखे थे गियर बक्से से जब ऑयल रिमूव कर रहे थे तो नीचे एक ड्रेन बोल्ट होता है जिससे गियर ऑयल निकाले थे। ऑयल फिल करते समय ऊपर साइड एक बोल्ट रहेगा, वो उसको खोलें, उसके बाद वहाँ से गियर ऑयल गाड़ी में फिल हो रहा है। नीचे वहाँ से आप देखेंगे साइड से तो आपको गियर ऑयल का वो दिख जाएगा कहाँ से जा रहा है। ये जो सटक इसके अंदर गई हुई है, ये सटक इसके अंदर हल्का सा अंदर डाल के उसके बाद यहाँ ऊपर से गियर ऑयल इसमें फिल किया जा रहा है और गियर ऑयल गियर बक्से के अंदर फिल होता जा रहा है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपने गियर ऑयल बदलने का तरीका सीख लिया होगा। धन्यवाद।